हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको ये न्यूज़ मिल चुकी होगी, अगर नहीं मिल रही तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि फीमेल सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुकी है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, फालतू में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि मैं आपको पहले से ही चीज़ों को बता रहा हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, 1-1.5 महीने से हम लोग भी रिविज़न करवा रहे हैं। पहले तो मैं आपको एक बारी अपडेट यहाँ पे दे देता हूँ जो आया है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर बात करेंगे कि जो स्ट्रेटेजी होगी आगे की वो किस तरीके से रहेगी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एडवांस नोटिस आ चुका है। OMR बेस्ड आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होना था फीमेल सुपरवाइज़र का, 23 तारीख को जून महीने की ये रखा गया है। तकरीबन तकरीबन अगर हम बात करें, आपको 1 महीने का टाइम यहाँ पे दिया गया है। एडवांस नोटिस आपका आया है, और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जो आपका एग्जैक्ट डेट होगी डाउनलोड करने के एडमिट कार्ड्स को, वो सेपरेटली इन्फॉर्म किया जाएगा। इतना तो देखो, सब बच्चों को पता था कि 4 जून तक चीज़ें जो थी वो बहुत स्लो स्पीड से चल रही थी। हम लोगों को ये एक्सपेक्टेड था कि हाँ, पटवारी और जूनियर असिस्टेंट पहले की पोस्ट हैं, तो इनका शायद से रिटर्न जो है वो जून में हो जाएगा और जुलाई में यहाँ तक ये पेपर जो है कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये देखने को मिला है कि सुपरवाइज़र का पेपर जो है वो आपको जून में देखने को मिला है, एंडिंग जून में है। और पटवारी और जूनियर असिस्टेंट के जो बच्चे हैं, आपको भी बता दूँ कि आपका भी जुलाई में कंडक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग भी अपनी तैयारी को रोकना मत। अब यहाँ पर बात करेंगे कि स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस रहे हैं। देखो, हम लोग आपको बता दें तो ये 120 नंबर का आपका जो पेपर है, इसको लेके क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। हार्डली एक स्कीम जो पेंडिंग है स्पेशलाइजेशन की, वो मेरे एंड से वो मैं करवा दूंगा। उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग कर रहे थे टॉपिक टेस्ट। टॉपिक टेस्ट हम लोग यहाँ पे जनरल इंग्लिश के ख़त्म कर चुके हैं। रीजनिंग के हमारे इस वीक में हो जाने थे, और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू UT के भी। हम लोगों ने एक एक टॉपिक के तकरीबन 150 टेस्ट आपके कंडक्ट करवाए हैं। जो अब हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स बचते हैं, जिसमें Unit 1 भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, Unit 2 भी ख़त्म हो जाएगा, 3rd, 4th, 5th, 6th। अब स्ट्रेटेजी में चेंज क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। देखो, जैसे चल रही हैं चीज़ें हम लोग वैसे ही चलाएंगे, फालतू में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने एक नई सीरीज़ भी शुरू की है, जिसमें यू स्पेशलाइजेशन के 1000+ MCQs करवाने थे। इसमें मैं आपको 1 दिन के रिविजन का टाइम दे रहा था, तो अब वो टाइम आपको नहीं दूंगा मैं। डेली बेसिस पे अब आपकी जो है ये MCQs क्लासेस चलेंगी, आपको रिवाइज करना। आज भी हमारा Unit 5 का टेस्ट है रात को 9:30 बजे। इसके अलावा जो क्या हो रहा था, पहले हम लोग दो दो दिन एक एक टॉपिक को दे रहे थे, उसको अब हम लोग सिंगल डे जो है वो रिवीजन के लिए जो है करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, देखो, जो टॉपिक दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, उन लोगों को बता दूं, आप लोगों का 10, 20, 30, 40 नंबर का जो है यहाँ से, और अगर बात करूँ तो 20 और 10 नंबर की लास्ट यूनिट की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट अगर बात की जाए 70 नंबर का, तो हम लोग टॉपिक वाइज रिवाइज कर चुके हैं। तो जो रिमेनिंग 50 नंबर का है वो भी हम लोग इस महीने की एंडिंग तक ख़त्म कर देंगे। अब बात रहती है, सर फुल लेंथ टेस्ट तो हम लोगों ने दिए नहीं, तो मैं आपको बता दूं, पहला टेस्ट हम लोगों ने शेड्यूल करा था कि 26 मई को होगा। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम डेट आने के बाद मैं बोलूँ कि हाँ हम कल ही करवा देंगे। आपका टेस्ट 26 मई को ही कंडक्ट हम लोग करवाएंगे, जो डेट आपको कही गई है उसी दिन पे हम लोग पहला टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। उसके बाद 5-5 दिन का टाइम आपको देंगे इसके टेस्ट के लिए, ताकि आप लोग रिवाइज कर सके। क्योंकि देखो, टॉपिक वाइज पेपर अटेम्प्ट करना अलग है, फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करना अलग बात होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी सीखना बाकी हैं, वो हम लोग सीख लेंगे। हमारे पास, हमारी अगर मैं बात करूं, जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल सही उस पर जा रही है, डायरेक्शन पर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर बात करें अगले टॉपिक्स को लेके, आज आप लोगों का जैसे Unit 5 का टेस्ट मैंने रखा है, कल हम लोगों ने Unit 6 का टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया था 20 MCQs का। उसमें बहुत अच्छे आप लोगों के मार्क्स देखने को मिले थे, तो वही चीज़ हम लोग कोशिश करेंगे कि आप डेली बेसिस पे ये जो टेस्ट हैं चलाते रहेंगे। अब मैं क्वेश्चंस को, या तो हो सकता है दिन में 2 यूनिट्स के टेस्ट आपके लूँ, Unit 3rd, Unit 4th करके 10-10 नंबर का, या फिर हो सकता है 20 नंबर का, वो हम लोग डिसाइड करेंगे टीम मेम्बर्स बैठ के कि किस अप्रोच में करना है काम। तो ये आप लोगों को बता दूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, उल्टा एक बहुत अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे उन सब सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए जो इसके लिए तैयारी कर रहे थे। रीज़न क्या है, क्योंकि देखो, JK SSB या JNK की बात करूँ, पहले क्या हो रहा था, 2020 की रिक्रूटमेंट जाके 2024 में ख़त्म हो रही है। ये पहली रिक्रूटमेंट है जो 2024 में आई है, और 24 में ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, और आपको हो सकता है 1-2 महीने बाद रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाए। तो जिस बच्चे ने तैयारी अच्छी करी है, सबके लिए न्यूज़ जो है वो सेम है। मेंटली आप लोगों को हम 1-1.5 महीने से प्रिपेयर कर ही रहे थे कि तैयारी करते चलो, करते चलो, करते चलो। जो बच्चे इनफैक्ट अभी ये सोच रहे हैं कि हम लोग करना चाहते हैं, आप लोगों को भी बता दूं, सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप लोग अगर उनको भी देखोगे, मोर देन इनफ वो हैं।
आप लोग हर एक टॉपिक को जिसको पढ़ते हो उसको टॉपिक टेस्ट को चले जाओ। अब टॉपिक टेस्ट के ऊपर भी अगर मैं आऊँ तो जैसे हम लोग यहाँ पे रीजनिंग इंग्लिश जीके विद स्पेशल रेफरेंस खत्म कर चुके हैं, अब अगले हफ्ते का जो आपका डेली टेस्ट शेड्यूल होगा उसमें आपको दो टेस्ट हो सकता है हर एक यूनिट के मिले, तो आप लोगों की रिवीजन अच्छे तरीके से चलेगी उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। रात को एक लाइव क्लास में टेस्ट मैं कंडक्ट करवा लूँगा, फुल लेंथ टेस्ट हम लोग करवा देंगे। आप लोग एग्जाम हॉल में जब एंटर करोगे तो आप लोग पूरे तरीके से प्रिपेयर होके ही जाओगे, इसकी गारंटी मैं आज भी लेके आपको दे सकता हूँ। तो आप लोगों के ऊपर अगर मेरे को इतना भरोसा है तो आप लोगों को भी थोड़ा मेरे पे रखना पड़ेगा, फालतू में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से तैयारी को थोड़ा सा और चेंज करेंगे स्ट्रेटजी को और उसको अप्लाई पे करेंगे। OMR टेस्ट की भी अगर मैं बात करूँ उसको हम लोग फिलहाल पोस्टपोन कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट होगा हर एक बच्चे के लिए होगा। अगर कुछ बच्चों ने यहाँ पे रजिस्टर करवा दिया उनको रिफंड हम लोगों ने इनिशिएट कर दिया, रीज़न बीइंग काफ़ी ज़्यादा बच्चों की डिमांड आ रही थी। अब हमें क्या करना है, हमें टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है, तो OMR में की जगह हम लोग इसको ऑनलाइन में ही टेस्ट जो है कंडक्ट करवाएंगे। सेम डेट 26 मई को पहला टेस्ट होगा, अब रिवीजन उस हिसाब से होगी, बाकी सारी डिटेल हम लोग रात की लाइव क्लास में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आप लोग अभी भी टेस्ट सीरीज या कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग आराम से जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको टेस्ट देते चलो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते चलो। टाइम हमारे पास अभी भी अप्रॉक्सीमेट 40 प्लस दिन का है, तो हम लोग इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, तो ये टाइम भी हम लोग एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। खुद पर भरोसा रखना, बाकी मिलते हैं शाम को नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।